गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं सुशील कुमार राठौर, आपके जीव विज्ञान के अध्यापक। आज आपको जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ाएंगे। आपका पहला टॉपिक है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। जनन सभी जीवधारियों की प्रमुख जैविक क्रिया है। सभी जीव नश्वर अर्थात एक निश्चित जीवन काल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और पृथ्वी पर इनका जीवन काल समाप्त हो जाता है, परंतु मरने से पहले अपने ही लक्षण वाली संतान के रूप में अपनी जाति के नए सदस्य उत्पन्न करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। जनन का उद्देश्य, प्रपोज ऑफ रिप्रोडक्शंस। नंबर वन, जाति वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। समष्टि या जाति के नए जीवों की उत्पन्न होने से जाति में सदस्यों की संख्या वृद्धि होती है। जाति की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। नई संतानों की उत्पत्ति के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जातियों में निरंतरता बनी रहती है। नंबर थ्री, समष्टि का संगठन, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। समष्टि में विभिन्न अवस्थाओं और आयु वर्ग के जीव बने रहते हैं। विभिन्नता है, वेरिएशंस। जनन द्वारा उत्पन्न संतान अपने माता पिता से कुछ भिन्न होती हैं। इस प्रकार समष्टि और जाति के जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है और उनमें पर्यावरण के प्रति नए अनुकूलन का विकास होता है। लास्ट टॉपिक, पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति एवं निरंतरता, एक्सटेंशन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जनन के कारण ही पृथ्वी पर जीवन का निरंतर गुणन, संख्या में वृद्धि और अविरतता बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, जनन की मुख्य घटनाएँ। सभी जीवों में तथा सभी प्रकार के जनन में निश्चित क्रमबद्ध घटनाएं होती हैं। नंबर वन, आरएनए, प्रोटीन्स तथा आवश्यक यौगिक का संश्लेषण, डीएनए, अणुओं का द्विगुणन, कोश का विभाजन तथा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, प्रजनन अंगों का निर्माण, प्रजनन इकाइयों का निर्माण एवं संयोगन, नए जीवों का निर्माण तथा जाति की निरंतरता बनाए रखना। ये सभी घटनाएं जनन में उपयोगी होती हैं। आप देखिए, आपके सामने जनन की विधियों का स्ट्रक्चर बना हुआ है रेखांकित, जिसमें पौधों में जनन दिया हुआ है। पौधों में जनन के इसमें तीन विधियां दी रखी हैं, आलैंगिक या अलिंगी जनन, कायिकी जनन और लैंगिक या लिंगी जनन। इनके मुख्य पार्ट्स दे रखे हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। नेक्स्ट टॉपिक, पौधों में अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। अलैंगिक जनन में संतति एक ही जनक से बनते हैं। इसके बनने के लिए किसी भी प्रकार के अगुणित युग्मक नहीं बनते। कह सकते हैं कि इसमें नर और मादा दोनों एक ही होते हैं, इसलिए संतति जीवों में मातृ जीव के ही समान लक्षण उत्पन्न होते हैं। अलैंगिक जनन के लक्षण, अलैंगिक जनन केवल एक जनक द्वारा ही होता है। इसमें केवल सूत्री विभाजन, मायोटिक डिविजन होता है। अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण, गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होता। इसमें निषेचन नहीं होता है, विशेष अंग जनन अंगों का विकास नहीं होता। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों व जनक सभी अनुवांशिक संगठन तथा आकारकी में पूर्ण समानता होती है। नेक्स्ट, संतति एवं जनन में जनक में गुणसूत्रों की संख्या तथा संरचना एवं सभी जीन समान होते हैं। अलैंगिक जनन अधिक तेजी से होता है। अलैंगिक जनन में अगुणित तथा द्विगुणित पीढ़ियों का एकांतर नहीं पाया जाता है। अलैंगिक जनन के लाभ, एडवांटेज ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर वन, अलैंगिक जनन एक जनक द्वारा होता है, अतः जनन की संभावना निश्चित होती है। अनेक जंतुओं व पादपों में यह प्रतिकूल परिस्थितियों में सफलतापूर्वक सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। नेक्स्ट टॉपिक, अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण, निषेचन, भ्रूण विकास आदि क्रिया नहीं होती हैं। अलैंगिक जनन से हानियाँ, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानों का अनुवांशिक संगठन पीढ़ी दर पीढ़ी एक समान रहता है, यानी कि इनमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, इसलिए संतति निरंतर दुर्बल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, उनका पर्यावरण के प्रति अनुकूलन कम ही होता है, यानी कि ये जीव एक ही प्रकार के मौसम में होते हैं। अनुवांशिक परिस्थितियों की अनुपस्थिति में नई प्रजातियों का विकास नहीं होता। अगर ये जहाँ भी रहते हैं, इनके रहने का स्थान के अनुकूल नहीं होता है, तो ये अपनी जाति का विकास नहीं कर पाते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, अलैंगिक जनन की विधियाँ, अलैंगिक जनन के प्रकार, मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस।
जीवों में अनैदिक जनन की प्रमुख विधियाँ हैं, नंबर 1 विखंडन, जिसको द्विखंडन, बहुखंडन और प्लाज्मोटोमी में बांटा गया है, मुकुलन, बडिंग, एक्सोजिनम मुकुलन तथा एंडोजिनम मुकुलन में बांटा गया है, खंडन, फ्रेगमेशंस, विषाणु जनन, स्पोरुलेशंस, ये सभी अनैदिक जनन की विधियाँ हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी ये अपने जीव विज्ञान का अपनी नोटबुक में करें, और आपको जहाँ भी तकलीफ हो या कोई समस्या हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।